सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे रिसेंटली डिल्ड का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आपकी इंस्टाग्राम पर यहाँ पे रिसेंटली डिल्ड का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव नहीं, यानी कि शो नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं गाइस। देख सकते हो गाइस मेरे खुद की इंस्टाग्राम पे यहाँ पे ये रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है गाइस। तो गाइस आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन क्या होता है। वेदर रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन इसे कहते हैं, जैसे कि आपने कोई इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं, वीडियोज़ होते हैं, उनको आपने किसी धोखे से या किसी रीजन से डिलीट कर दिया है। बाय द वे आप उसको दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा से आप देखना चाहते हो धोखे से आपकी वीडियो डिलीट हो गई हो, या फिर वो फिर आपके या धोखे से आप रील्स वीडियो डिलीट हो गई और फोटोज़ को डिलीट हो गए, तो आप उनसे यहाँ पे इस फोल्डर से रिकवर कर सकते हो गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस उम्मीद करता हूँ गाइस जी यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया है कि रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन क्या होता है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे एक्टिव नहीं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो गाइस आप लोग यहाँ पे ये प्रॉब्लम किस तरीके से फिक्स कर सकते हो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ गाइस, ज़्यादा टाइम का बात ना हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं इसको गाइस यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद मैं मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है इंस्टाग्राम। सर्च बार में टाइप करने के बाद इंस्टाग्राम और यहाँ पे देख लेना ये अपडेट कॉल तो नहीं है। अगर आपकी यहाँ पे अपडेट खिलती बोलती है तो ऐसे अपडेट कर लेना है। फिलहाल मेरी यहाँ पे अपडेट नहीं बोलती है, फिलहाल मैं अपडेट नहीं करता हूँ, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, यानी मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरफेस, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग यहाँ पे जहाँ भी आपके ऐप इंस्टॉल होते हैं आपको वहाँ आ जाना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट के नाम से, अगर आपको ऐप मैनेजमेंट के नाम से देखने को मिलता है तो गाइस आप लोग ऐप मैनेजमेंट नाम से यहाँ पे देख सकते हो, या फिर ऐप इन्फो के नाम से मिलता है तो गाइस आप लोग ऐप इन्फो पे चले जाना है। तो गाइस हमें ऐप इन्फो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद ऐप सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। ऐप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कई सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाते हैं गाइस। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाते हैं। देख सकते हो गाइस आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम को देख लेना है। अगर आप वायदे पे यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो गाइस आप लोग सर्च बार में फाइंड कर सकते हो गाइस। चलिए गाइस यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इंस्टाग्राम। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो इंस्टाग्राम, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरफेस, उसके बाद यहाँ पे देख मिला है स्टोरेज एंड चेक, इस पर आप क्लिक कर लेते हैं। स्टोरेज एंड चेक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लियर स्टोरेज, क्लियर चेक। तो गाइस आप लोगों के क्लियर स्टोरेज का मतलब जो होता है गाइस, आप लोग यहाँ पे क्लियर स्टोरेज तभी करना जब आप लोगों का पासवर्ड पता होना चाहिए। बाय द वे क्या हो जाता है, अगर आप क्लियर स्टोरेज कर देते हो तो गाइस आप लोग पासवर्ड को भूल जाते हो और आप दोबारा से पासवर्ड रिकवर कर देते हो, किस तरीके से आपको कन्फ्यूजन हो जाती है और आपको टाइम ज़्यादा चला जाता है, और आपका धोखे से भी यहाँ पे स्टोरेज हो चुका होगा। तो गाइस आप लोगों ने मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी, आई बटन में वीडियो मिल जाएगी कि पासवर्ड इंस्टाग्राम का पासवर्ड किस तरीके से रीसेट करते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लियर चेक तो कर सकते हो, क्लियर चेक से कोई दिक्कत ही नहीं, आप कर लेना। उसके बाद बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख लेना मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, इस पर आप क्लिक कर लेना है। मोबाइल डाटा एंड वाईफाई पे क्लिक करने के बाद अगर आपका इस तरीके ऑफ है यहाँ पे तो इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यूज डाटा इसका भी ऑफ है तो इसको भी ऑन कर देना है। उसके बाद आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोग चले गए आप दोबारा से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे देख लेते। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, अकाउंट पे क्लिक कर लेना, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे अभी भी तक एक्टिव नहीं हुआ है। तो गाइस किस तरीके से वो एक्टिव होगा, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोग अपने इंस्टाग्राम को अपने ये लाइट में डाउनलोड करना है। जी हाँ, इंस्टाग्राम को एक लाइट वर्जन में डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल का डाटा, यहाँ पे मोबाइल वाला इंस्टाग्राम है तो इसको एक इंस्टाग्राम को लाइट वाला आता है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये लाइट वाला डाउनलोड इस तरीके से आप लोग करना, क्योंकि ये छोटा वाला इंस्टाग्राम होता है ये सब फ़ोन में अलाउड होता है, जैसे कि छोटे रैम होते हैं फ़ोन के और जीबी होती है उनकी छोटी सी, उनको में ये इंस्टाग्राम काम कर जाएगा। तो गाइस आप लोगों को इंस्टाग्राम लाइट वाला इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेते हैं।
ओपन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो कुछ इंटरफेस इस तरीके का देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे दोबारा अकाउंट बनाना चाहते हो बना सकते हो गाइस। और यहाँ पे देख मिला है लॉगिन, लॉगिन के बाद आप लोग यहाँ पे जो भी आपका इंस्टाग्राम फोन पे जो भी इंस्टाग्राम मोबाइल पे इंस्टाग्राम यूजर नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करता है तो गाइस आप लोग यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो फिलहाल मैंने ऑटोमेटिक कर लिया, उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखने को मिला इंटरफेस, और आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोग राइट हैंड साइड में थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है, सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो गाइस रिसेंटली का ऑप्शन देखने को मिलता है। देख सकते हो गाइस रिसेंटली डिलीटेड, जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरफेस इस तरीके का देखने को मिलता है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से यहाँ पे रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको अपने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन एक्टिव करने में कोई दिक्कत परेशानी मान पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।